हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आप लोगों का आज यूनिट 9 राजस्थान का इतिहास, इसका टेस्ट है। हम लोग यूनिट वाइज कर रहे हैं और इतिहास में हमने जितने भी पिछले यूनिट की हैं तो उनको भी आप बार बार रिवाइज भी करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कॉपी पेन उठाकर आप बैठिए और बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं, और जिनके आंसर आप सही नहीं भी दे पाए तो उनके आंसर जो है वो आपको लिखने हैं ताकि आपको वो याद रह सके। चलिए क्वेश्चन वन है, कोटा में क्रांति कब हुई? तो कोटा में क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857, 15 अक्टूबर 1857, 4 अगस्त 1857 या 12 अक्टूबर 1857। तो इन चारों में से सही उत्तर आपका क्या होगा, फटाफट से आपको आंसर देना है, बिल्कुल देर नहीं करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो काफी करने हैं। तो आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, जिनको आता है वो तो देखकर ही आंसर लगा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसका आंसर जो है 15 अक्टूबर 1857 है। तो जिनका सही है वो अपने आप को एक मार्क्स दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में राजस्थान का भामसा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, किशन लाल, अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद बाठिया या केसरी सिंह बारट। तो आंसर बच्चे सही आंसर लगा लेते हैं पहले से ही, अमरचंद बाठिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इससे पता लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? 5 छावनियां, 8 छावनियां, 7 छावनियां या 6 छावनियां। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? तो इसका आंसर जो है वो कितनी थी, 6 छावनियां थी। तो आंसर आपका क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो 6 छावनियां जो है वो कौन सी थी? तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, ऐनपुरा और खेरवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, जुलाई 1947 को ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद कितनी रियासतें व ठिकाने थे? ऑप्शन देखिए, 19 रियासतें व 3 ठिकाने, 17 रियासतें व 3 ठिकाने, 17 रियासतें व 5 ठिकाने या 19 रियासतें व 5 ठिकाने। तो आंसर क्या है इसका सही, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। काफी बच्चे जो हैं वो आंसर बिल्कुल सही देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी करवाई है। चलिए तो इसका आंसर जो वो बिल्कुल सही है, 19 रियासतें व 3 ठिकाने। तो देखिए मैं देखती हूँ कि किस किस के आंसर जो है वो सही जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कमेंट जाते हैं कि मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि आप सही हो। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ऑप्शन देखिए, 6 चरण, 3 चरण, 7 चरणों में या 4 चरणों में। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसमें तो देर ही नहीं लगेगी, फटाफट से आंसर दे दिया है सभी बच्चों ने। और इसका आंसर देखिए सबका ही लगभग सही है, इसका आंसर है 7 चरणों में। चलिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हीरालाल शास्त्री, गुरमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट या माणिक्यलाल वर्मा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर जो है वो सही होगा, गुरमुख निहाल सिंह। चलिए, और वैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो इन चारों को ही आपको याद रखना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनके बारे में कुछ खास बातें बताई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ब्रह्मगुप्त ने ग्रंथों का किस किस भाषा में अनुवाद किया? अरबी व फारसी, संस्कृत व अरबी, फारसी व संस्कृत या संस्कृत व हिंदी। ब्रह्मगुप्त ने ग्रंथों का किस किस भाषा में अनुवाद किया? अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा,
लेकिन जैसा कि आप लोगों ने तैयारी की है, तो जिनकी तैयारी मजबूत है उन्होंने तो आंसर लगा लिया है। तो ब्रह्मगुप्त ने ग्रंथों का किस किस भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर जो है वो देखें आप, अरबी व फारसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा गया? शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा गया? महर्षि पाराशर को, विश्वामित्र ऋषि को, महर्षि सुश्रुत को या महर्षि पतंजलि को? शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा गया? महर्षि पाराशर, विश्वामित्र ऋषि, महर्षि सुश्रुत या महर्षि पतंजलि? तो आंसर जो है वो राइट है इसका, महर्षि सुश्रुत। यदि आपका सही है तो वेरी गुड, और यदि जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो वो अब याद कर लें, शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत। नेक्स्ट है 9, शिशुपाल वधम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महाकवि कालिदास ने, बाण भट्ट ने, चंदवरदाई ने या महाकवि माघ ने? चलिए तो इसका आंसर क्या है? महाकवि माघ। जब आप इनके आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग जो है वो बिल्कुल मुझे फॉलो कर रहे थे और आप लोगों ने तैयारी जो है वो बहुत अच्छी की है। चलिए क्वेश्चन 10 है, चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? फटाफट से बताइए, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के, अकबर के या सवाई जयसिंह के? चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अकबर या सवाई जयसिंह? तो आंसर जो है बिल्कुल सही इसका आंसर, महाराणा प्रताप। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, कालीबंगा की खोज 1953 में किसने की? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, राखल दास बनर्जी या किशन लाल? तो राजस्थान की सभ्यताओं में से एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कालीबंगा की खोज 1953 में हुई, लेकिन किसने की? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, राखल दास बनर्जी या किशन लाल? तो सही आंसर है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन काफी हैं। तो आंसर क्या है इसका? चलिए देखिए, आप लोग आंसर जिनके सही हैं उन्हें तो मालूम है, जिन्होंने बी ऑप्शन को लगाया है तो वो तो अपने आप को एक मार्क्स देंगे, अमलानंद घोष ने। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, किस स्थल से 33 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष मिले? कालीबंगा से, सिंधु घाटी से, चंद्रावती सभ्यता से या इनमें से कोई नहीं? यहां मैंने जो भी टॉपिक थे सभी के प्रश्न जो है वो इंक्लूड किए हैं, ये एक मात्र रिवीजन ही है आपकी, जिससे कि आपकी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, चलिए, किस स्थल से 33 हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष मिले? कालीबंगा से, सिंधु घाटी से, चंद्रावती सभ्यता से या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है चंद्रावती सभ्यता। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से, सिंधु घाटी से, चंद्रावती से या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो है वो इसका आप लोगों ने लगाया है। अब इसमें जिनको कंफ्यूजन है तो चलिए मैं बताती हूँ इसका सही आंसर। देखिए इसका आंसर जो है वो कालीबंगा होगा। ठीक है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी ऑप्शन में है, लेकिन हमें बिल्कुल वो आंसर जो कि क्वेश्चन के बिल्कुल नजदीक है उसी पर टिक लगाना होता है। ठीक है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा स्थल से मिले। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराजा जसवंत सिंह 1638 में कहाँ के शासक बने? मेवाड़ के, मारवाड़ के, जयपुर के या जालौर के? फटाफट से आंसर सोचिए इसका। चलिए ठीक है, आपने लगा लिया इसका आंसर, महाराजा जसवंत सिंह 1638 में कहाँ के शासक बने थे? तो इसका राइट आंसर जो है वो मारवाड़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, राव मालदेव इन्होंने कितने युद्ध किए? 52 युद्ध, 28 युद्ध, 23 युद्ध या 49 युद्ध?
तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, राव मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? तो इसका आंसर जो है वो सबका ही सही है कि उन्होंने 52 युद्ध किए थे, इसलिए उन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट 16 है, राव मालदेव के सेनापति कौन थे? रणमल व रतिपाल, आला व उदल, गौरा व बादल या जैता और कूपा? राव मालदेव के। तो आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, रणमल व रतिपाल, आला व उदल, गौरा व बादल या जैता और कूपा? तो आंसर जो है वो इसका सही है, जैता और कूपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजभान जाट को, सूरज सिंह जाट को, सूरजमल जाट को या इनमें से कोई नहीं? देखिए मुझे भी आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको भी नहीं करना है, ठीक है? चलिए तो बताइए इसका फटाफट से आंसर, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरज भान जाट, सूरज सिंह जाट, सूरजमल जाट या इनमें से कोई नहीं? तो ए बी सी डी करके आप अपना आंसर जो है वो बताएंगे, और अभी तक आपके जो लगभग आंसर जो है वो सही जा चुके हैं। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो आंसर जो है वो इसका सही, यही आंसर सही है, सूरजमल जाट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? चलिए ऑप्शन देखिए, बप्पा रावल ने, विग्रह राज ने, राणा सांगा ने या राणा कुंबा ने? मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसका राइट आंसर है बप्पा रावल। ठीक है, तो इनका जो उपनाम भी पूछा जा सकता है, बप्पा रावल का, विग्रह राज का। चलिए आपके बिल्कुल सही है आंसर। क्वेश्चन 19 देखिए, बप्पा रावल का बचपन का नाम क्या था? तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, नरेंद्रनाथ, कालभोज, जयराव या बप्पा राम? बप्पा रावल का बचपन का नाम क्या था? तो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं बप्पा रावल। ठीक है, चलिए तो आंसर जो है वो इसका सही होगा, तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कालभोज। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20, भगत बंध की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, अर्जुन लाल सेठी ने, गोविंद गिरी ने या पंडित नैनू राम शर्मा ने? अब तो आप भी एक्टिव हो चुके हैं और आप आंसर जो है वो फटाफट दे भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। भगत पंथ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, गोविंद गिरी, पंडित नैनू राम शर्मा? देखिए किसान आंदोलन, बिजली आंदोलन, यहाँ से आपका एक प्रश्न जो है वो बनता है एग्जाम में, तो आंसर जो है वो इसका ये होगा, भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो चलिए मैं ही आपको बताती हूँ, आंसर जो है वो है गोविंद गिरी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन को, अपिको आंदोलन को, बूंदी आंदोलन को या भगत आंदोलन को? बिल्कुल आंसर जो है वो डी ही है, भगत आंदोलन। गिरधर दास भंडारी किस आंदोलन से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन, भगत आंदोलन, अपिको आंदोलन या बूंदी आंदोलन? गिरधर दास भंडारी किस आंदोलन से संबंधित है? तो किससे संबंधित हैं ये, चिपको आंदोलन से, भगत आंदोलन से, अपिको आंदोलन से या बूंदी आंदोलन से? तो आंसर जो है वो कौन सा सही है, आंसर जो है वो है चिपको आंदोलन। चलिए 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? मेहर जी, रामदेव जी, बाबू जी या हड़बू जी? तो 13 ताली नृत्य कामण जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये किस लोक देवता की प्रार्थना में किया जाता है? आंसर जो है वो इसका आप सभी को पता है,
रामदेव जी की, ठीक है, रामदेव जी। देव नारायण जी की फड़ किनके द्वारा बांची जाती है? भूपाओं द्वारा, चारणों द्वारा, विश्नोइयों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? हम क्वेश्चन 24 पर आ चुके हैं। तो आंसर जो है वो क्या होगा इसका? आंसर है भोपाओं द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। संत दादू दयाल के कितने शिष्य थे? 18 शिष्य, 23 शिष्य, 52 शिष्य या 108 शिष्य? देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम यूनिट वाइज लगभग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा संत दादू दयाल के कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल किस लोक देवता ने दिया था? तो आपको उन लोक देवता का नाम बताना है, बाबू जी, मेहर जी, जसनाथ जी या रामदेव जी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है तो वो बधाई के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर में 32 खंभे की छतरी किसने बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं? हमीर देव चौहान ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या महाराणा प्रताप ने? तो रणथंभौर के जो शासक थे वो कौन थे, यदि आपको ये पता है तो आप आंसर जो है वो सही बता पाएंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर जो है वो होगा हमीर देव चौहान। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम शासक कौन सा है? मारवाड़ का 1301 ईस्वी में, रणथंभौर का 1301 ईस्वी में, रणथंभौर का 1668 ईस्वी में या मेवाड़ का 1668 ईस्वी में? तो आंसर जो है वो क्या होगा इसका? आंसर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी, रणथंभौर 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दरबारी विद्वान कौन था? नुएब खान, पालम खान, जैमन खुसरो या अमीर खुसरो? देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग उसी तरीके से इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इनको दोबारा से देखिए, 6 से लेकर 10 तक की, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर जो है वो होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। हमीर का दरबारी कवि कौन था? विजयादित्य, चंद्रवरदाई, तानसेन या बीरबल? तो आंसर जो है वो होगा हमीर का दरबारी कवि विजयादित्य। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? अमर सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह या कर्ण सिंह? तो बिल्कुल आंसर जो है वो इनका तो आपने लगा ही लिया है और टाइम वेस्ट भी नहीं किया है। चलिए मैं भी नहीं करती हूँ, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। नागौर दरबार में किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ ने, बीकानेर ने, मेवाड़ ने या जोधपुर ने? तो नागौर दरबार में अकबर की अधीनता बहुत बड़ी बड़ी रियासतों ने स्वीकार ली थी, लेकिन अकबर की अधीनता किसने नहीं स्वीकारी थी? तो आंसर जो है वो क्या है? चलिए सभी का सही है, वेरी गुड, मेवाड़। अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर क्या रखा? जय प्रसाद, पीर प्रसाद, हीरा प्रसाद या खान प्रसाद? तो ये आपके जो है वो लास्ट ईयर आया हुआ है,
2018 में अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर क्या रखा? आंसर जो है पीर प्रसाद। ठीक है, चलिए सबका ही सही है। क्वेश्चन 34, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने राज्य चिन्ह उतार कर किसे सौंपा था? झाला मन्ना को, बादल सिंह को, भामा शाह को, या इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने राज्य चिन्ह उतार कर किसे सौंपा था? तो सही आंसर जो है वो इसका क्या होगा? आज तो आप सभी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फटाफट आंसर दे रहे हैं। चलिए, इतना तो मुझे विश्वास है कि आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी में एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं गवाएंगे। चलिए, इसका आंसर जो है वो क्या है? झाला मन्ना। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का थर्मोपल्ली, मारवाड़ का थर्मोपल्ली, मेवाड़ का मैराथन, या मारवाड़ का मैराथन? तो आंसर जो है वो इसका राइट है, कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा? तो आंसर जो इसका क्या है, मेवाड़ के मैराथन को कहा। ठीक है, चलिए, सॉरी, दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट है 36, किसके नेतृत्व में अकबर ने मारवाड़ में जोधपुर किले पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी? बैरम खां, मान सिंह, हुसैन नजीर खां, या हुसैन खां कुली? अब ये प्रश्न का आंसर जो है जिसने सही दे दिया उसकी तो तैयारी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, चलिए बताइए, किसके नेतृत्व में अकबर ने मारवाड़ में जोधपुर किले पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी थी? तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए बी और डी में। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका आंसर जो है वो है हुसैन खां कुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 37, बिस्मृत नायक और भूला बिसरा राजा के नाम से मारवाड़ के कौन से शासक जाने जाते हैं? राय सिंह को, राव चंद्रसेन को, अमर सिंह को, या विजयादित्य को? ठीक है, मेवाड़ में जैसे महाराणा प्रताप, वैसे ही मारवाड़ में ऐसे शासक जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही कार्य किए, लेकिन इन्हें ज्यादा नहीं जाना जाता, इसीलिए इन्हें भूला बिसरा राजा की संज्ञा दी। तो वो नाम है जो कि अकबर की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। ठीक है, दो ही थे, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन। चलिए नेक्स्ट है 38, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? जयसिंह के शासनकाल में, रायसिंह के शासनकाल में, मानसिंह के शासनकाल में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो है वो क्या होगा इसका? थोड़ा सा यदि आप क्वेश्चन को देखकर आंसर जो है वो सही नहीं लगा पाते हैं, तो देखिए थोड़ा सा आप लगाइए कि बीकानेर, बीकानेर कहाँ पड़ता है, मारवाड़ में या मेवाड़ में? ठीक है, उनसे संबंधित कौन से शासक हैं, ऐसे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो आंसर क्या है? आंसर है राय सिंह के शासनकाल में। ठीक है, चलिए, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान सा प्रश्न, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई रायमल, या इनमें से कोई नहीं। किसी का भी आंसर जो है वो इसका गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन 39 का। ऐसा मेरा मानना है कि किसी का गलत भी नहीं होगा, तो बिल्कुल। चलिए, इसका आंसर जो है वो सभी का ही सही है, आंसर है सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है 40, कटार का धनी किसे कहा जाता है? अमर सिंह राठौर को, मानसिंह को, सवाई जयसिंह को, या सूरजमल जाट को? कटार का धनी किसे कहा जाता है? चलिए आंसर क्या है? बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन 40 पर आ गए हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है। आंसर है अमर सिंह राठौड़।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। बिजोलिया आंदोलन कितने वर्षों तक चला? लगभग 33, लगभग 18, लगभग 44 या लगभग 48 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ, इस आंदोलन की समाप्ति, दोनों डेट भी आपको याद रहनी चाहिए। यदि डेट याद है तब भी आपको ये आंसर पता है। तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल चलिए सही आंसर ही है इसका, सबका ही सही है, लगभग 44 वर्षों तक। आप लोग सही करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्वेश्चन 42। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा द्वारा कौन सा गीत गाया गया? तो कल के वीडियो में ही मैंने आपको माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बताया था। तो कौन सा गीत गाया गया था? तोरणी गीत, पंचड़ा गीत, खगड़ा गीत या पिछौना गीत? आंसर जो है वो क्या है इसका? पंचड़ा गीत। बिचौलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1945, 1947, 1943 या 1941? बिचौलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला, तो यह समाप्त कब हुआ? 1945, 1947, 1943 या 1941? आंसर वो है डी ऑप्शन, 1941 ईस्वी में। बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1904 में, 1898 में, 1923 में या 1921 में? तो आंसर क्या है इसका? बिल्कुल इसका आंसर है 1921 ईस्वी में। देखिए इस तरीके की तैयारी से बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ आपने जो भी तैयारी की है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर सीरीज आपने ज्वाइन की, जिसमें आपने सभी चैप्टर्स को एक एक लाइन को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा। अब आप टेस्ट दे रहे हैं, वो भी 50 क्वेश्चन का हर यूनिट का, ठीक है? तो अब आपकी तैयारी सोचिए कितनी अच्छी हो चुकी है। निमोचना किसान आंदोलन कमांडर छज्जू सिंह की तुलना किससे की गई है? जनरल डायर से, मानसिंह से, औरंगजेब से या इनमें से कोई नहीं? निमोचना किसान आंदोलन कमांडर छज्जू सिंह, ठीक है, इनकी तुलना किससे की गई है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? चलिए इसका आंसर जो है वो जनरल डायर, ठीक है? चलिए अलवर के निमूचना किसान आंदोलन में नेतृत्व किसने किया? विश्नोइयों ने, राजपूतों ने, किसानों ने या इनमें से कोई नहीं? अलवर में जो निमूचना किसान आंदोलन हुआ उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्व किसने किया? चलिए इसमें थोड़ा सा देखिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है। चलिए आपने अब याद रखना है, अलवर के निमोशना किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था राजपूतों ने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी में राजस्थान के कितने सदस्य नहीं थे? देखिए दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी में राजस्थान के सदस्य नहीं थे, तो यहाँ 4 सदस्य, इनमें से एक सदस्य नहीं थे। शंकर लाल शर्मा, जय शंकर व्यास, नैनू राम शर्मा, त्रिलोक चंद माथुर, तो इनमें से कौन से राजस्थान के सदस्य अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी में नहीं थे? चलिए अब इस क्वेश्चन में बच्चे जो हैं वो फंस गए हैं। आंसर देखिए, सदस्य कौन कौन से थे? शंकर लाल शर्मा थे, नैनू राम शर्मा थे, त्रिलोक चंद माथुर थे, लेकिन जयशंकर व्यास नहीं थे। चलिए चलिए ऑप्शन देखिए,
अर्जुन लाल सेठी, जय नारायण व्यास, दामोदर दास राठी या हरि भाऊ उपाध्याय। चलिए हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं क्वेश्चन 48 पर। अभी जिनको टफ क्वेश्चन चाहिए थे, देखिए ये टफ है, ये मैंने जानबूझकर नहीं बनाए हैं, बल्कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हाटुंडी जो अजमेर में है, इसमें गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए। चलिए इसका तो आंसर ही बता दिया, हरि भाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ, रामदास, भूप सिंह या सत्येंद्र सिंह? तो इसका आंसर जो है वो तो सभी का सही है, भूप सिंह। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन 50, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? आंसर जो है वो है सागरमल गोपा, जैसलमेर के निवासी थे। तो आप लोगों के जो है वो लगभग आज सभी सही ही हुए हैं। फिर भी आप लोगों को अपने मार्क्स जो है वो बताने हैं कि आपने 50 में से कितने जो है वो सही अंक लिए हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम करते रहेंगे। और आपकी मात्र एक यूनिट और राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित बाकी है, और हमारा हिस्ट्री का और पॉलिटी की कंप्लीट तैयारी हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।